नमस्कार, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। श्री गणेशाय नमः। इंद्र उवाच, नमस्ते सु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोसुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोसुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोसुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोसुते। आद्यंतरयिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसंभूते महालक्ष्मी नमोसुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोसुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोसुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोसुते। महालक्ष्मी अष्टकस्तोत्रम् यपठेत् भक्तिमान् नरा सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्विकालं यपठे नित्यं धनधान्य समन्विता त्रिकालं यपठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम्। महालक्ष्मी भवेर् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। यह है देवादिदेव देवों के राजा इंद्रदेव ने आदिमाया महालक्ष्मी देवी की स्तुति पर रचा हुआ महालक्ष्मी अष्टक। इसमें शुरू में ही उन्होंने कहा है कोलासुर, कोलासुर नाम के असुर का नाम लिया है, जिस कोलासुर का वध महालक्ष्मी माता ने किया उसके बाद इंद्रदेव ने ये उनके स्तुति पर स्तोत्र किया। कोलासुर ने भगवान शिव को शिव जी को प्रसन्न करके वर प्राप्त किया था और इसलिए उनकी याद में एक नगर बसाया गया, उसका नाम है कोल्हापुर और स्वयं महालक्ष्मी देवी वहां स्थित हो गई। करीब 32-33 साल पहले की बात है, तभी मैं जवान था। जन्म से ही भगवत भक्ति में रुचि थी, है और रहेगी भी। एक सत्पुरुष मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे यह महालक्ष्मी अष्टक सिखाया और कैसे गाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उच्चारण होना चाहिए ये सिखाया। मेरे बुक में रोमांस विद गॉड में उनके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरह से लिखा है, अगर आप रुचि रखते हैं तो चैप्टर पढ़िए, मालूम हो जाएगा। हर रोज तीन समय त्रिकाल यानी प्रातः में दोपहर में और शाम को मैं ये पढ़ता था। मुझे बहुत उससे खुशी मिलती थी, मिलती है। तब उसमें कैसे लिखा है पद्मासन स्थिते देवी, तो मैं भी पद्मासन ने तो सुखासन में बैठ के महालक्ष्मी अष्टक पढ़ता था, बोलता था, बहुत ही उससे आनंद मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसे हो गया, कुछ शारीरिक पीड़ा से मैं पद्मासन क्या सुखासन में भी बैठ नहीं सकता था। ऐसे 3-4 दिन गए, शारीरिक पीड़ा यानी मुझे पाइल्स की तकलीफ होने लगी अचानक। सवेरे जब मैं नहीं बैठ सका तभी माता जी को ऐसे कहा, हे आदि माए, मैं बैठ के आपकी स्तुति नहीं गा सकता, अगर आपकी कृपा होगी तो ही ये हो सकता है। क्या कहूँ,
मैं दफ्तर निकल गया। शाम को आया, तब तक मैंने ये कहा था ये मैं भूल भी गया। स्नान करके वापस जब ही बैठ गया साधना करने के लिए, अच्छी तरह से बैठ के मैंने अन्य जो स्तोत्र जपम चालू रहता है उसके साथ ये भी बार बार रिसाइट किया। सब खत्म होने के बाद मुझे याद आया, 8 दिन से मुझे जो तकलीफ थी वो तकलीफ बिल्कुल गायब। और मैंने कहा, अरे मैंने सवेरे क्या कहा माँ जी को और क्या हुआ? तब याद आया, मैंने कहा था माते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि महालक्ष्मी अष्टक बार बार पढ़ने से बोलने से यह व्याधि दूर हो गई, ये मैं दावा नहीं करता। लेकिन जिस आर्तता से मैंने माँ को पुकारा तो ये व्याधि दूर हो गई, ये मैं मेरा अनुभव है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आई एम ओनली शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, सब भगवान के हाथ में रहता है। अब इस अष्टक के बारे में और कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें आखिर में ऐसे बोला है, देवी का वर्णन तो किया है, वो कैसी दिखती है, कैसे वस्त्र पहने हैं, इसके बारे में डिटेल में मेरी आने वाली बुक यूनिक मास्टर में सब लिखा है, वो आ जाएगी किताब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में ऐसे, एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम जप पठे नित्यम धन धान्य समन्विता, त्रिकालम जप पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। एक बार ये कहने से एक काल यानी प्रातः दोपहर शाम महापाप विनाशनम, यानी वो पाप विनाश हो गया तो हम वापस दूसरे पाप करने के लिए तैयार, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। पाप भीति मन में जब रहेगी तब हम कुछ बुरा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये उसका अर्थ है। द्विकालम जब पठे नित्यम धन धान्य समन्विता, दो बार दो समय ये पढ़ेंगे, धन धान्य समन्विता यानी हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, श्रीमंत हो जाएंगे, श्रीमान हो जाएंगे, नहीं। तो हमारी जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो तो जरूर पूरी हो जाएंगी। जैसे एक बार हमने पढ़ा है देवी महात्म्य में, बहुत बड़ा अकाल आया, तभी देवी माँ ने शाकंभरी रूप लिया और उसे भक्तों का पोषण किया। आज यही जरूरत है कि पूरे विश्व के लोग संकट में है तो हम देवी माँ को प्रार्थना करते हैं कि उनका पालन पोषण करने के लिए आप सज्ज हो जाइए, हम जरूर प्रयास करते हैं लेकिन आपकी कृपा हम चाहते हैं। तीसरा ऐसा है महाशत्रु विनाशनम, शत्रु कौन? मेरा इससे झगड़ा हो गया तो मैं उसका शत्रु बन गया, वो मेरा शत्रु बन गया, वैसे नहीं है। शत्रु यानी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये षड्रुपु है, षड्रुपु ये ही हमारे शत्रु है, इन सब का विनाश हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। तो ये शत्रुओं का, इन शत्रुओं का नाश हो जाएगा और वो करने के लिए देवी माँ आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं। हम सब आपको नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पूरे विश्व का, विश्व भर के लोग आपसे यही प्रार्थना करते हैं और ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कहा है यद भावम तद भवति, शिरडी साई बाबा जी की एक आरती है उसमें ऐसे बोले हैं, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घना। इसके बारे में मैं और कभी बोलूँगा। धन्यवाद।